राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार हैं। और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी, हमारे स्टेट हेड। मज़ा आएगा आज आप लोग के साथ डिबेट करके। तो भाई संजीव मिश्रा जी, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म, छत्तीसगढ़ में भी खत्म, बहुत दबाव में दिख रही है आपकी पार्टी। जी आपकी पार्टी इन दो राज्यों में बहुत दबाव में दिख रही है, ब्रजेश जी, ऐसा क्यों? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलें, गो एड। नहीं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव में नहीं रहती, एक काम में विश्वास करती है। हमारे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी पन्ना प्रमुख से लेकर के और बूथ लेवल पर संगठन है, हम इन संगठनों के माध्यम से अपनी बात को जन जन तक पहुंचाते हैं। और मुझे विश्वास है कि इन दो, जहां पर आज प्रचार बंद हुआ है, इन दोनों प्रदेशों, जैसे छत्तीसगढ़ में आधा प्रचार बंद हुआ है, इन दोनों प्रदेशों में हम बड़ी पैमाने पर प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं। और ये तो और विपक्षी पार्टियों और खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों कैसे को जीत के आ रहे हैं, आप कारणों को और तथ्यों को स्पष्ट करें ना, कह देने से नहीं मानेंगे, आप उसके तथ्य और कारण बताएं, आप कैसे जीत रहे हैं? मैं वही तथ्य और कारण देकर के ही बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि बूथ लेवल पे और पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन है और हम अपने डबल इंजन के विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत ख़राब है और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास जाहिर किया है। जैसा आप कह रहे हैं कि मतदाता खुल नहीं रहा है, मतदाता जब 17 तारीख को खुलेगा और जब इसका रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही प्रदेशों में सरकार बनने जा रही है। जी मेरे साथ रायपुर से उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीनियर।